रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस में स्नातक फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए रिजल्ट के संबंध में एक बड़ी अपडेट आ रही है। यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके कॉलेजेस में फाइनल ईयर के जो प्रैक्टिकल हैं वो नहीं हो पाए हैं, तो इसके लिए रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से ये जो नोटिस है ये जारी कर दिया गया है। अगर आज यानी कि 23 सितंबर तक इन स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल नहीं होते हैं तो जो यूनिवर्सिटी है वो विदाउट प्रैक्टिकल मार्क्स के ही स्टूडेंट्स के जो रिज़ल्ट है वो इसी सप्ताह जारी कर देगी। क्योंकि आपको पता ही होगा वीएड की जो काउंसलिंग है वो 30 सितंबर से होना है और 30 सितंबर से पहले पहले अंतिम वर्ष के यानी कि जो फाइनल ईयर के रिज़ल्ट हैं वो जारी किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बी ए बी एस सी बी कॉम के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं इनके रिज़ल्ट 30 सितंबर से पहले पहले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी हर हाल में जारी कर देगी, क्योंकि बी एड की काउंसलिंग होना है। तो इसी के संबंध में यूनिवर्सिटी ने इस बार आखिरी मौका दिया है, आज 23 सितंबर तक हर हाल में आपको जो अंक हैं वो अपलोड करना होंगे। जितने भी कॉलेजेस में स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल है बायबा रह गए, यूनिवर्सिटी ने साफ कह दिया कि ये अत्यंत खेदजनक है, महाविद्यालयों के द्वारा छात्रों के परीक्षा परिणाम हेतु गंभीरता नहीं बरती जा रही है। और यहाँ पर आपको साफ साफ जानकारी दी जा रही है कि अब ऐसे कॉलेजेस स्वयं उत्तरदायी होंगे, इसके पश्चात भी यदि छात्रों के अंक अपलोड नहीं होते हैं तो उसका उत्तरदायित्व संबंधित महाविद्यालय को होगा तथा उनका जो परीक्षा फल है वो घोषित करने पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स का जो रिज़ल्ट है वो होल्ड हो जाएगा या फिर वो रिज़ल्ट में फेल लिख कर आएगा, क्योंकि उनके प्रैक्टिकल और या फिर बायबैक के जो मार्क्स हैं वो पोर्टल पर अपलोड नहीं होंगे। तो अभी कौन कौन से कॉलेजेस में कितने स्टूडेंट्स रह गए हैं उसकी जो लिस्ट है यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर जारी कर दी है। सभी स्टूडेंट्स देख सकते होंगे, जय चमन महाविद्यालय, सराय अंसारा, खडसल, नेहटौर रोड, बिजनौर। तो इस कॉलेज की अगर बात करें तो बीए में सभी स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल हो गए हैं इसलिए जीरो है। बीएससी में दो स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल रह गए, बीकॉम में चार दो स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल रह गए। इसी तरह से बिजनौर के एक और कॉलेज की बात करें, हल्दौर डिग्री कॉलेज वल्दिया हल्दौर, तो इसमें एक बीए का और एक बीएससी के स्टूडेंट्स का जो प्रैक्टिकल है ये होने के लिए भी रह गया है। ऐसे ही सभी कॉलेजेस की जो लिस्ट है बरेली कॉलेज की तरफ से भी, बरेली कॉलेज के लिए भी यहाँ पर जानकारी दी जा रही है कि बरेली कॉलेज में बीए के दो और बीएससी का एक स्टूडेंट्स का जो प्रैक्टिकल है ये रह गया। ये जो लिस्ट है ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। इसी तरह से लगभग 100 से ज़्यादा कॉलेजेस के जो रिज़ल्ट हैं वो अभी तक, सॉरी दोस्तों, 100 से ज़्यादा कॉलेजेस के जो प्रैक्टिकल हैं वो यहाँ पर मार्क्स अपलोड नहीं हो पाए हैं। और किसी कॉलेज में 7 स्टूडेंट्स, किसी में 2, किसी में 1, किसी में 5, इस तरह से स्टूडेंट्स जो है ये रह गए हैं प्रैक्टिकल होने के लिए, जिस वजह से यूनिवर्सिटी जो है वो रिज़ल्ट जारी नहीं कर पा रही। फिलहाल आज अंतिम मौका दिया गया है कॉलेजेस को, अब आज के बाद किसी भी तरह का जो मौका है वो कॉलेजेस को नहीं दिया जाएगा और 30 सितंबर से पहले पहले फाइनल ईयर के जो रिज़ल्ट हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। क्योंकि वीएड के एडमिशन 30 सितंबर से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही, तो जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं बस धैर्य बनाए रखें, बहुत जल्दी आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी होने वाला है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से संबंधित जो पल पल के अपडेट है वो आपकी लगातार लाते रहते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।